अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई। तो आज मैं बना रही हूँ भंगड़ा फिश फ्राई। और सर्दियाँ आ चुकी हैं, मछलियों का सौगात है। मछली तो सर्दियों की सौगात है और सर्दियों में इसको खाने का मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को बहुत अच्छी तरीके से धो ली है। इसकी स्किन के ऊपर जो शेल्स होते हैं वो इस मछली के ऊपर शेल नहीं होते हैं, और इसके साइडों में इस तरह से छोटे छोटे पर होते हैं, जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि ये जो है भंगड़ा फिश है। और बहुत ये नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है, और सर्दियों में इसका खाने का बहुत ही अलग मज़ा है। इसमें कांटे नहीं होते, बिल्कुल बीच में जो है एक कांटा होता है, बिल्कुल इसके गोश्त में बिल्कुल भी कांटे नहीं होते। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ़िश को मैंने वॉश कर लिया था। ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अलग प्याले में हम इसका जो है मसाला बना लेंगे, ताकि फ़िश पे हमें इसको मैरिनेट करने में आसानी हो जाए। तो इसी के साथ हम इसमें जो है बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं चाहते हैं। इसमें इस फिश के मसाले, फिश फ्राई मसाले में मैं जो हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लेती हूँ। गार्लिक तो जिंजर तो वैसे मैं ज़्यादातर नहीं डालती, पर यहाँ मेरे पास दोनों चीज़ों की पेस्ट अवेलेबल थी तो मैंने वही यूज़ कर ली। और रेड चिल्ली पाउडर डाला है, सॉल्ट डाला है और हल्दी डाली है। आप अपने फ़िश की क्वांटिटी के हिसाब से जो है सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसमें मैंने थोड़ी सी जो है ज़ीरा और धनिया भुना कुटा जो होता है वो डाल दिया था। और इसमें कसूरी मेथी जो होती है उसको मैं अच्छी तरीके से जो है मतलब कि थोड़ा हाथ से क्रश करके वो डालूंगी। और अब इन सारी चीज़ों को जो है हम अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और फिर आप इन सारे मसालों को जो है फिश पे लगाएं और एक से डेढ़ घंटे के लिए मछली को जो है साइड पे रख दें। अच्छा, इसमें आप मेरे पास खटास के लिए जो है विनेगर मौजूद था, तो मैं इसमें 1-2 टीस्पून जो है विनेगर डालूंगी। आप चाहें तो इसमें लींबू भी डाल सकते हैं, और मैं फ़िलहाल इसमें सिरका डाल रही हूँ, जिससे खटास वाली जो टेस्ट है वो आ जाएगी। और इसको अच्छी तरीके से हम मसालों को मिक्स करेंगे। अब इसमें से बहुत मज़े की जो है मसाले, और अच्छे तरीके से जो है ना स्किन जो है वो क्रिस्पी हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी। बहुत आसान सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल घर के मसालों के साथ। ये देखें फ़िश फ्राई यहाँ पे तैयार हो चुकी है, कितनी क्रिस्पी लग रही हैं। तो यहाँ मैंने एक टमाटर को काट के फ्लावर बना के और धनिया के साथ इसको डेकोरेट कर दिया था। इस तरह से डेकोरेशन करने से ये है कि फैमिली को भी खाने में अच्छा लगता है और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी हो जाता है।
तो दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग फ़िश फ्राई की कौन सी रेसिपी जो है, आप लोग फ़िश की और रेसिपीज आपके साथ मैं शेयर करूं। सर्दियों का मौसम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। ओके, अल्लाह।